चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 एक नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखें, नहीं तो आपको वीडियो सही से समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो चालू करने से पहले कहेंगे कि अगर लालचंद सर कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं प्रकाश, प्रकाश के गुण, और उसके बाद दिया था प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी वस्तु की छाया बनी या परछाई बनी उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी वस्तु की छाया बने तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, देख लेते हैं इसका डिफिनेशंस क्या दिया है। दिया है प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर, क्या दिया है? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं। और क्या दिया है? या प्रतीत होती हूँ। क्या दिया है? या तो प्रतीत होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए, दो प्रकार के होते हैं। क्या दिया है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर दिया है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई ये दर्पण है। क्या दिया है? कोई दर्पण। अब प्रकाश की किरणें बहुत सारी यहाँ से आ रही हैं। अब ये इधर से भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो इसमें दर्पण में जब टकरा के वापस मुड़ जाती हैं, और ये भी किरण, ये सब किरणें क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है जब दर्पण से परावर्तन के बाद, बताया ना, जब किरणें क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, टकरा के वापस मुड़ जाती हैं, के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। वो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो उसके बाद देखते हैं अगला नंबर। तो हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे दिया है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे दिया है ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशिक स्रोत से आने वाली प्रकाश, प्रकाशित स्रोत से आने वाली प्रकाश, मतलब इसका क्या होता है? प्रकाशित स्रोत, बहुत सारी किरणें आने वाली, मतलब बहुत सारी जब किरणें आती हैं उसे हम प्रकाशित स्रोत कहते हैं। उसके बाद क्या दिया है? प्रकाश की किरण वस्तु से टकराने के पश्चात केंद्रित ना होकर केवल केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब केंद्रित नहीं होती हैं। हमें केवल देखने में भ्रम होता है कि वो प्रतीत हो रही हैं, मतलब क्या होता है कि वो एक जगह मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में मिलती नहीं हैं। इसे क्या कहते हैं? आभास, या आभास होना केवल। तो अब देखते हैं अगला नंबर दिया है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो अब देख लेते हैं, एक तरफ दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ दिया है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को याद रखना, इसको अकाल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं, और काल्पनिक नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे दिया है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। जैसे एग्जाम्पल, कभी भी सबके घर में आईना होता, शीशा होता, तो अगर उसके सामने अगर हम खड़े हो जाएं और हम देखें अपनी शरीर को, अगर दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां दिखेगा, बायां उठाएंगे तो दाहिना दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ये सदैव सीधा बनता है, उसका उल्टा होगा। उसके बाद दिया है वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर कह दिया जाए
वास्तविक प्रतिबिंब जैसे शीशा है, अगर शीशे के सामने तुम खड़े हो जाओगे तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब उसके अंदर तुम्हें दिखेगा, इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखें वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद ये क्या होता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर शीशा देखा जाए तो एक प्रकार से वो पर्दा ही हुआ, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दिया है इसमें आभासी में, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कह दिया जाए कल्पना करें आप कि आपके सामने भूत खड़ा है, तो क्या उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद दिया है, देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है, या दर्पण के बाईं ओर बनता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के बाईं ओर बनता है, इसको भी याद रखें। और इसमें देख लेते हैं आभासी में, दर्पण के पीछे बनता है, क्या दिया है, दर्पण के पीछे बनता है। हाँ दोस्तों ये दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद चौथा नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण उत्तल लेंस में बनता है। इसके बाद देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस वो उत्तल दर्पण समतल दर्पण और अवतल लेंस में बनता है। तो हाँ दोस्तों इसको याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब देखते हैं अगला नंबर। हाँ तो अब देख लेते हैं यहाँ पर दिया है, तो देखते हैं यहाँ पे दिया समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। जैसे मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, क्या दिया है, कोई समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण। कोई मान लेते हैं यहाँ पे बिंब, बिंब हम किसे कहते हैं ये भी याद रखना, बिंब जो वस्तु होती है उसे हम बिंब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई 5 फीट, यहाँ पे 5 फीट होना चाहिए, यहाँ पे 5 फीट, मान लेते कोई 5 फीट का लड़का या कोई भी खड़ा हो 5 फीट का, अगर मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, बिंब। ये क्या है, दर्पण, मान लेते हैं समतल दर्पण। शीशा जैसे मान यहाँ पे खड़ा है तो इसकी मान लेते जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आई और यहाँ से टकरा, क्या हो गई, इधर की ओर परिवर्तित हो गई। उसके बाद देख लेते यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी, कहाँ से, वो भी दर्पण से। वस्तु की दूरी क्या होता है, यू से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको याद रखें, वस्तु की दूरी हमने क्या मान ली, मान लेते हैं आप कोई 5 फीट का एक लड़का खड़ा है, इसको मान लेते हैं ए और इसको बी। उसके बाद इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है पीछे की ओर, तो इसको हमने क्या माना, ए डैश और बी डैश। तो इसको याद रखें, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको अब देखते हैं। इसमें कुछ दिया है, आभासी एवं सीधा बनता है, क्या होता है, आभासी एवं सीधा बनता है। उसके बाद याद रखना समतल दर्पण क्या होता है, तुम्हारा आभासी और सीधा बनता है, क्या होता है, सीधा बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, याद रखना, कभी भी आप शीशे से कितनी भी दूर खड़े हो जाएं तो आपकी आकृति जितनी दूरी पर होगी उतनी ही उसमें जितनी दिखेगी उतनी ही आपकी आकृति बनेगी। तो आप देखते हैं क्या दिखता, बराबर दिखता है, आप चाहे उसके पास खड़े हो जाएं, अगर आप 5 फीट के हैं तो 5 फीट के ही दिखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अगला नंबर दिया प्रतिबिंब, क्या दिया है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दूरी दर्पण से होती है। अगर तुम कितने भी दूर खड़े हो जाओ तो उतनी ही दूरी उसके पीछे बनती है, ये याद रखना। क्योंकि चित्र देखना, अब अगर तुम दूर खड़े हो, अगर तुम दूर खड़े हो तो उसकी आकृति उतनी ही डिस्टेंस से बनेगी। तुम अगर यहाँ पे खड़े हो तो उसमें छोटी आकृति बनेगी, और पास में जाओगे तो और बड़ी आकृति बनेगी, बिल्कुल पास में जाओगे तो बिल्कुल आपके बराबर बनेगी, ठीक। उसके बाद अगला नंबर दिया है प्रतिबिंब, क्या दिया है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब पीछे, पार्श्व मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, पास का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो इसको भी याद रखें। अब देखो पास प्रतिवर्तित का मतलब क्या होता है, परिवर्तित का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपकी आकृति सदैव उल्टा बनती है, सदैव क्या होता है, उल्टा बनती है। शीशे के अगर सामने अगर हम खड़े हो जाएं, अगर हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ दिखता है, अब बायां हाथ उठाते हैं तो दाहिना हाथ उठता है। तो आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं इसको। उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, अगला पार्ट तुमको अगले दिन मिलेगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।